अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय व्लॉग। चलो जी शुरू से शुरू करते हैं फिर। आज का दिन बहुत ख़ास है मेरे लिए क्योंकि आज थी मेरी फर्स्ट बॉर्न की बर्थडे, मेरी बेटी की बर्थडे थी। चिकन आज आम देश से बहुत ही सस्ते दामों में मिल गई, 500 रुपये किलो। हमने टिक्के के पीसेस कटवाए, फिर उसके बाद हम गए ग्रॉसरी पे। और अगर तुम लोग अपनी चाइल्डहुड मेमोरी रिलिव करना चाहते हो तो ज़रूर ट्राई करो ये चूरन चटनी आइसक्रीम, जो कि बहुत मज़े की थी। अब थी बारी सब्जियाँ लेने की, जो कि हमें बिरयानी के लिए चाहिए थी, और फिर हमने सब्जी ले ली। और बारी आई केक की। केक शेप डोरा बदसूरत है क्या? और जब केक की बारी आए तो हमारे जहन में सिर्फ एक नाम आया, यूनाइटेड बेकरी। तो हम पहुंचे यूनाइटेड बेकरी। क्या बात की भाई, बर्थडे और डेकोरेशन ना हो ऐसे कैसे भाई। फिर हम पहुंचे डेकोरेशन शॉप पे, जो कि सफूरा पे ही है। इनकी अच्छी खासी बड़ी सी शॉप है, इसकी एक ब्रांच इनकी जौहर में भी है। और टीन की इनकी छत है, लेकिन सामने एसी लगा हुआ था, कूलिंग कोई ख़ास हो नहीं रही थी, दरवाज़ा भी अजीब सा था। बहरहाल लेकिन इनके पास चीज़ें बहुत अच्छी हैं, तो अगर आप लोग विज़िट करना चाहें तो ज़रूर विज़िट कर सकते हैं। उनके प्राइस भी इकनॉमिकल हैं। ठीक है जी, तो यहाँ से हमने कुछ बलून्स लिए, कुछ डेकोरेटिव आइटम लिए। आगे जाके आपको पता चलेगा, मुझे बहुत कोई भर के नहीं सजाना लेकिन था, ऐसा डेकोर करना था कि लगे कि भाई बर्थडे है। एनीवे मैंने लिए पर्पल और पिंक कलर के बलून, जो कि मेरी बेटी की ख्वाहिश थी। और फिर यहाँ पर मैं कुछ चिली लाइट्स देख रही थी, जो कि मैंने ली भी। प्राइसेस इनके रीजनेबल थे और बंदा भी अच्छा था, कुल्फी खा रहा था। हमें देखा बेचारे ने अपनी कुल्फी छोड़ दी हमारे लिए, और अच्छे से हमें डील किया और प्राइसेस भी अच्छी लगा दी। क्या क्या लाई हूँ मैं नाई की बर्थडे के लिए? दो बलून लाए पैकेट, चिली लाइट्स लाए, कैंडल लाया है। कैंडल दिखाओ, नाइस, वेरी नाइस। अनाया दिखा रही है ये, और ये लैंप है, गुड, वेरी गुड। और ये कैंडल, लाइट वाली कैंडल, सो नाइस। अजलान, यस अनाया, डू यू वांट टू से समथिंग? इट्स अ टीम वर्क, गुड अजलान। अगर तुम लोगों को नहीं पता तो ये बलून पंप बड़ा ही बेहतरीन है, ज़रूर लेके रखो। बच्चों की बर्थडेज हो या कुछ भी ऐसी सेलिब्रेशन जहाँ पर तुमको बलून्स लगाने हो, कुछ फुलाना हो, तो ये बहुत इजी रहता है और मिनटों में ये वो काम करता है जो तुम लोगों को घंटे लगेंगे। सो यहाँ पर मेरे हाउस हेल्प ने एज़ यूजल बहुत ज़्यादा हेल्प की, और इसकी वजह से हम ये सब कर पाए। तो फ्रॉम अ प्लेन ब्लाइंड टू दिस हमने छोटी सी डेकोर की, और उम्मीद है कि आप लोगों को डेकोर अच्छी लगी होगी। सो यस, अगर आप लोग मुझे अभी तक देख रहे हैं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए फ्री हैं और इससे मुझे बहुत फ़ायदा होता है। काम करके मेरा तो हो गया था बेरा गरक, और फिर आई केक कटिंग की बारी, और यहाँ पर वो ब्लंडर हुआ जो आप देखेंगे तो आपको बहुत हंसी आएगी। अच्छा जी, यहाँ पर हम कैंडल जलाना भूल गए सबसे पहले, तो फिर उसके बाद मुझे अचानक से याद आया कि यार कैंडल तो हम भूल ही गए। फिर मैंने कैंडल उठाई और फिर मैंने कैंडल जलाई। बस अनाया, बस अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और यहाँ मैं करने जा रही हूँ एक बहुत बड़ी गलती, जो कि मैंने इस स्मोक को जला दिया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। शुरू शुरू में तो ये बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन बाद में इसका अंजाम हम सब ने भुगता। बहुत ओवर हो गया ये तो। ये कलर स्मोक सिर्फ आउटडोर के लिए था, ये इंडोर के लिए नहीं था। और अगर तुम लोग अपने घर में करोगे तो तुम लोग का वही हाल होगा जो हमारा हुआ, पूरा कमरा पिंक हो रहा था और पाउडर पाउडर हर जगह था, एसी चल रहा था, इसलिए बड़ी मुश्किलों से ये स्मोक गई। हमने खिड़की दरवाजे खोल दिए थे, और उसके बाद भी माहौल कुछ बेहतर नहीं था। काफ़ी देर बाद माहौल कुछ बेहतर हुआ, तो हमने खाना लगाया, सब ने बारबेक्यू टिक्का इंजॉय किया। और तुम लोग को भी अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।